नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आपका अपना YouTube चैनल भोजपुरी गंगा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, आनंद मंदिर थिएटर वाला ने एक वोटिंग पोस्ट डाला था। चलिए आप सभी को बता देना चाहता हूँ किसको कितना परसेंट वोट मिला है। पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे को 51% वोट मिला है, यानी 2956 वोट मिला है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। वहीं खेसारी लाल यादव जी की फिल्म संघर्ष 2 को 48% वोटिंग मिला है, यानी 2835। यहाँ पे पवन सिंह 3% वोट से आगे हैं खेसारी लाल यादव से, लेकिन खेसारी लाल यादव पवन सिंह से आगे निकल जाएंगे, ये मैं गारंटी आप सभी को दे रहा हूँ। क्योंकि खेसारी लाल यादव बहुत पीछे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बराबरी में आ रहे हैं और आगे भी निकल जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सभी को। अब चलिए बात कर लेते हैं पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह ऐसा क्यों करते हैं? पवन सिंह अपनी फिल्म हर हर गंगे के ट्रेलर का बिल्कुल नहीं प्रमोशन किए हैं, ना तो लाइव आकर प्रमोशन किए हैं, ना तो मीडिया में आकर प्रमोशन किए हैं, और अभी का यानी शाम 7 बजे पोस्ट कर रहे हैं कि ट्रेलर आउट हो गया। करना चाहिए, बट इनकी फिल्म में करें या ना करें मेरे से क्या लेना देना। अब चलिए आप सभी को एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ। हर हर गंगे फिल्म के डायरेक्टर और संघर्ष 2 के डायरेक्टर दोनों एक साथ इंटरव्यू दिए हैं मीडिया में, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आप लोग ये इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो बिंदास भोजपुरिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव का वीडियो पसंद है तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।